स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। काइन मास्टर एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, बहुत ही अच्छा है। मार्केट में और भी कई सारे ऐप हैं, पर यह सबसे बेस्ट ऐप है। इस ऐप से वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मंटू ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं अपना काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैं काइन मास्टर ओपन कर लिया, और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो देख रहे हैं आइकन, ये हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो ये मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया, और यहाँ पर देखिए वीडियो बनाने की अलग अलग कैटेगरी आ गई कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखिए फर्स्ट वाला यूट्यूब के लिए है, और ये अगर आप टिकटॉक वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये अलग अलग वीडियो की यहाँ पर क्वालिटी दी गई है अगर एडिट करना चाहते हैं आप इसे। तो यहाँ पर हमें यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना, हम इस पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पर देखिए ये खुल के आ गया। अब यहाँ से हमें जिस वीडियो को एडिट करना है तो वो वीडियो को हमें लेना पड़ेगा। तो और यहाँ पर आप पहले तो हमें बैकग्राउंड लेना पड़ेगा आपको। चलिए सबसे पहले मैं अपना जो वीडियो एडिट करूँगा यूट्यूब के लिए, तो मैं पहले वीडियो ले लेता हूँ अपना। तो देखिए यहाँ से मैंने ये वीडियो ले लिया, यहाँ पर ये देखिए ये हमारे कैमरे में ये वीडियो है, और यहाँ से मैं इसको ले लिया। देखिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस लेके यहाँ पर सही निशान पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा प्ले करके देख लूँगा। देखिए ये इस तरह से चल रहा है। देखिए अब ये मैंने ले लिया, तो ये जो वीडियो है वो 40 सेकेंड की है। तो यहाँ से इतना तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसके आगे और जो हमने वीडियो बनाई है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हमारा जिस टॉपिक के लिए मैं इस पर बता रहा हूँ, वो मैं वीडियो फिर से लेता हूँ यहाँ से। देखिए ये मैं स्क्रीन शॉट में गया, और यहाँ पर देखिए ये रहा वो वीडियो। देखिए मैंने अब वो भी ले लिया। अब यहाँ से हम इसको सही के निशान पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अब ये वीडियो आ गई। अब ये देखिए कुछ इस तरह से ये वीडियो है। अब यहाँ से देखिए अगर ये वीडियो के ये जो एरिया है ये हमारा ब्लैंक है, ब्लैक है, और ऐसे कुछ देखने में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे। पहले पहले हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ से हमें पहले बैकग्राउंड ले लेना है। चलिए मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, एक कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। चलिए अब इसको हमें थोड़ा सा खींच के आगे स्क्रॉल करना है, ताकि जितना बड़ा हमारा वीडियो है उतने तक हमें ये बैकग्राउंड चाहिए। तो हम इसको ऐसे करके स्क्रॉल करके हम खींचते रहेंगे इसको ऐसे। देखिए हमने इसको, हमारा 5 मिनट का वीडियो है तो हमें इसको 5 मिनट तक इसको स्क्रॉल करके रखना है। देखिए हमने ये कर लिया। अब हमें इसके ऊपर वो वीडियो लानी है। देखिए अब इसके ऊपर वो वीडियो लाने के लिए अगर कोई भी चीज़ हम जब बैकग्राउंड के ऊपर लाना है तो हमें लेयर पे क्लिक करना है। अगर हमें इसके साइड या इसके आसपास बाजू में या इस साइड लगाना है तो हमें मीडिया पे क्लिक करना है। हमें इस बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए वो वीडियो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेयर पे आएंगे और वहाँ से यहाँ से मीडिया में आएंगे और फिर वो वीडियो को लाएंगे। तो अब देखिए अब मैं वो वीडियो को, ये रहा वो वीडियो। अब देखिए ये बैकग्राउंड के ऊपर आ गया वीडियो, पहले क्या था ब्लैक एरिया था, अब ये बड़ा एरिया हो गया। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में सही लगे। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। देखिए ये मैंने सेट कर दिया, अब थोड़ा चला के देखेंगे मोबाइल से ईमेल आईडी बनाने के लिए। देखिए ये इस तरह हो गया। अब हमें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने लिया था तो ये ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा, इसके इस यहाँ पर हम मोबाइल डालेंगे, एक मोबाइल का PNG इमेज डालेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से लेयर पर आना है। देखिए मैं लेयर पर आया,
फिर से हम मीडिया पे गए और यहाँ से हम पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो जो मेरा फ़ोटो है वो डाउनलोड में है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं वो मोबाइल फ्रेम देख लेता हूँ कहाँ पर रख रखा है मैंने। वो देखिए ये रहा, देखिए ये आ गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, देखिए ऐसे देख लिए, थोड़ा हमने इसको ऐसे बड़ा कर लिया तो अब ये ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन में चल रहा है। ठीक है, अब हमें इस फ्रेम को भी आगे तक खींचना है जितना बड़ा हमारा ये वीडियो होगा। तो हम देखिए मैं इसको पूरा खींच लेता हूँ ऐसे करके वीडियो तक, जितनी बड़ी हमारी वीडियो है उतने तक हमें ये चाहिए, तो इसलिए मैं इसको खींच रहा हूँ। बस इसमें थोड़ी मेहनत है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इसमें जितनी मेहनत करना चाहते हैं आप उतना अच्छे से आप इस वीडियो को एडिट कर पाएंगे। तो बस मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बस आप ध्यान देखते रहिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, बस एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू से में आपने देखा कि मैंने कैसे बैकग्राउंड लिया, कैसे उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, आपने सब देखा। देखिए ये जो वीडियो है हमारा वो ज़्यादा है, तो हमें बैकग्राउंड को भी थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा हम और कर लेंगे। यहाँ तक हमारा वीडियो है तो बस यहाँ तक हमने बैकग्राउंड को भी ले लिया, और ये जो PNG इमेज है हमारा मोबाइल का, इसको भी हम आगे तक लेंगे जहाँ तक कि हमारा वीडियो है, तो थोड़ा हम और बड़ा कर लेंगे। देखिए ये तो हो गया, वीडियो हो गई हमारा। अब इसमें हम क्या करना है हमें, तो ये देखिए यहाँ पर काइन मास्टर का लोगो आ रहा है, तो इस लोगो के ऊपर हमें अपना लोगो लगाना है। हम वो कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये तो हम सेट कर देते हैं। अब फिर से हमें जाना है लेयर वाले पे, और फिर से हमें ये मीडिया पे जाना है, और यहाँ से हम अपना लोगो ढूँढेंगे। हमारा लोगो देखिए यहाँ पर है, ये है मेरा लोगो। अब यहाँ से देखिए इसको मैं छोटा करूँगा, देखिए लोगो आ गया। अब ये काइन मास्टर के ऊपर मैं इसको ऐसे करके लगा दिया, देखिए इससे क्या हो रहा है कि काइन मास्टर का जो लोगो है वो दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है। अब इसको भी हम पूरा यहाँ तक ले लेंगे, पूरी वीडियो तक, देखिए ये भी मैं पूरी वीडियो तक ले लेता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से, आप अगर पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ को, तो अच्छे से पूरा तरह कर लेता हूँ जहाँ तक कि हमारा ये वीडियो है पूरा। इसको मैं वहाँ तक इसको स्क्रॉल करके खींचते रहना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी मेहनत तो है, पर आप लोगों को अगर अच्छे से वीडियो अगर आपको एडिट करना है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। तो बस आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, और आपको अगर अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाना है, अगर अच्छा सब कुछ बनाना है आपको, तो मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मैं ये भी हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें एक इमेज लानी है, यहाँ पर देखिए साइड में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हम यहाँ पर इसको हमने सेट कर दिए, उसके बाद हम फिर से लेयर में आएंगे। लेयर में आ गए, फिर से हम यहाँ पर मीडिया में आए। अब यहाँ से फिर से हमें एक इमेज लाना है, तो हमें कौन सा इमेज लाना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए डाउनलोड में आ गया। अब ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब का है ये वाला हमें लाना है, तो अब देखिए ये जो इमेज है वो हमें यहाँ लाना है, देखिए ये यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। इसको भी हमें थोड़ी देर तक यहाँ तक रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो इमेज है इसको आप देखिए, ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। देखिए ये चलते रहना या फिर ऐसे ऐसे करना, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं आप। फ़िलहाल मैं ये वाला रहने देता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है, और यहाँ से मैंने सेट कर दिया। ये देख लिया आपने कि मैंने कैसे कैसे सारा कुछ किया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो गया। अब हमें एक यूट्यूब का इंट्रो है छोटा सा, वो डालना है, तो मैं वो डाल देता हूँ। देखिए फिर से मैं लेयर पर आया, और फिर से मैं यहाँ मीडिया पर आया, तो यहाँ से हमें वो इंट्रो लाना है, वो भी वीडियो में है, तो हमने यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ये डाउनलोड में आ गए, और ये इंट्रो है वो, ये
देखिए ग्रीन कलर का है, इसको सबसे पहले यहाँ पर क्रोमा की में हम जाएंगे और यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये वो हट गया। अब देखिए ये क्या चीज़ है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगी। ये देखिए आप, देखिए ये लाइक सब्सक्राइब का जो बटन होता है, सब्सक्राइब का, ये वो चीज़ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब इसको हमें कहाँ सेट करना है। यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे और देखिए ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा और यहाँ कर लेना है थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, अब चला के हम फिर से देख लेंगे, ये देखिए ये आ गया। अब इस ये जो YouTube का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर हमें अपना लोगो लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ से ये सेट कर दिया, अब यहाँ पर हमें अपना लोगो लगाना है। तो फिर से हम लेयर पे आएंगे, इसी मीडिया पे आए और हमें अपना लोगो पे जाना है। यहाँ पर हमने अपना लोगो रख रखा है, ये रहा हमारा लोगो। और फिर से हम इसको बिल्कुल छोटा करके यहाँ से देख सकते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे करके लगा देंगे और हमें छोटा करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा और। देखिए ये मैंने लगा दिया, बस ये हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियो दिखेगी वो ऐसे है ना, ये देखिए यहाँ से मैंने सेट कर दिया। अब जो मेरी वीडियो दिखेगी, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कर दिया, ये कर दिया। अब हमें यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया, यहाँ से ये वीडियो, उसके बाद हमने यहाँ पर मोबाइल का वो लगाया था, ये आ गया। अब हमें शुरू में यहाँ पर अपना इंट्रो लगाना है इस वीडियो के इधर, तो उसके लिए हमें मीडिया में जाना है क्योंकि हमें इसके साइड में आना है, ये हैं, तो यहाँ से हमें इस पे आ जाएंगे। अब जो हमारा इंट्रो है, अब हम उसको देख लेते हैं कहाँ पर हमने रख रखा है। ये रहा हमारा इंट्रो और ये हमने इस पर क्लिक किया, देखिए ये हमारा इंट्रो आ गया। अब यहाँ से हम इसको सेट कर दे, देखिए ये मैंने सारा कुछ एडिट कर लिया। अब हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ करने के बाद यहाँ सिंपली हमें एक्सपोर्ट कर देना है। देखिए मैंने, देखिए वीडियो की क्वालिटी दी गई है, यहाँ से हमें अपनी पसंद की क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ से मैं HD 720 वाले पे कर देता हूँ और यहाँ से देखिए MB चॉइस कर लेना है आपको कि आपको कितना MB रखना है। जितना ज़्यादा MB रखेंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आएगी आपकी। मैं फ़िलहाल नॉर्मल रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए हैंग और लो दोनों ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर इसकी क्वालिटी जो है मैं 250 कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये 250 कर लिया। अब सिंपली यहाँ से हमें एक्सपोर्ट कर देना है। अब यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से ऐड आएगा, इसको हमें स्किप कर देना है। देखिए ये स्किप हो गया, अब ये देखिए एक्सपोर्ट हो गया और हमें थोड़ा वेट कर लेना है जब तक कि ये एक्सपोर्ट हो जाए। जो एक्सपोर्ट होने वाली है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा हमें वेट करना है। देखिए ये वीडियो मेरी एक्सपोर्ट होगी। अब मैं इसको आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमें प्ले कर लेना है। यहाँ से आप अपना प्लेयर चूज़ कर लीजिए कोई भी, चलिए मैं अपना वीडियो प्लेयर चूज़ कर लिया। देखिए देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरी वीडियो एडिट करी है, ये देख सकते हैं क्या है कुछ, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो मेरी एडिट हो गई है। बस बहुत ही आसानी से आप इसी तरह से वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिट करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।